इटावा बरेली हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने गड्ढे हादसों की वजह बन गए हैं। जलालाबाद से मूंगफली का बीज खरीद वापस आ रहे जनपद मैनपुरी के थाना एलाव क्षेत्र के डेढ़ दर्जन किसानों से भरी पिकअप गड्ढों की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसमें 14 किसान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने 108 एम्बुलेंस से सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं देर रात्रि जिला अस्पताल में इलाज के दौरान एक किसान की मौत हो गई। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में इटावा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर सेंट्रल जेल चौराहे से पहले रिलायंस पेट्रोल पंप के पास करीब 20 क्विंटल मूंगफली भरी पिकअप का अगला पहिया गड्ढे में जाने से अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते पिकअप के डाले पर बैठे 14 किसान मूंगफली के पैकेटों के नीचे दब गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी को स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लोहिया भेज दिया, जिसके बाद सभी घायलों का जिला अस्पताल लोहिया में इलाज चल रहा है। अचानक एक दर्जन से अधिक मरीज आ जाने के कारण जिला अस्पताल लोहिया की इमरजेंसी फुल होने के साथ ही अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिस कारण कुछ मरीजों को स्ट्रेचर पर ही लिटाकर इलाज दिया गया। सूचना मिलने पर जिला अस्पताल लोहिया पहुंचे सीओ सिटी प्रदीप सिंह ने घायलों का हालचाल जाना। हम जलालाबाद से आ रहे थे। किस कौन सी गाड़ी से? पिकअप। कितने लोग थे? 18 लोग। क्या करने गए जलालाबाद आप लोग? मूंगफली लेने। बीज लेने के? हाँ, बीज। अच्छा, तो कितना लेके आ रहे होंगे बीज? करीब ऐसे वही 50-60 पैकेट लगभग। अच्छा अच्छा, तो एक्सीडेंट आपका किधर हो गया है? एक्सीडेंट थोड़ा ना, वो गिरी है। हाँ, गिरी है तो कहाँ गिरी है? पास में। अच्छा, पेट्रोल पंप पास में। इधर तो गड्ढे वगैरह हैं सड़क पे? गड्ढे ना है, गड्ढे तो मतलब सड़क रोड सही थी, ऊँचो रोड है तो गड्ढा का मतलब खाली में चलोगे पहिया बाको? अच्छा, गड्ढा में चलोगे। हाँ। अच्छा, खा तो उसमें कितने लोग यहाँ अस्पताल में भी आए होंगे? 13-14 लोग आप नहीं है। अच्छा, तो ड्राइवर वगैरह? ड्राइवर सही है। अच्छा, सही है। तो आप लोग खुद फोन किया, पुलिस आ गई थी मौके पे? एम्बुलेंस को नहीं फोन का, मतलब आई गई थी, बोलो आई गई थी गाड़ी, मतलब गाड़ी का मतलब मोटरसाइकिल वालों ने लोगों ने करो उन्हें निकालो, हम लोग तो अपन निकारा गुजरी कर रहे थे। हम पिकअप पलटने से करीब 14 लोग आए हैं, जिनका प्राथमिक उपचार कर दिया गया है तथा वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। किसी की हालत गंभीर वगैरह तो नहीं? ज़्यादा गंभीर हालत किसी की नहीं है, सब सही है, मतलब ज़्यादा गंभीर नहीं। किसके द्वारा लाए गए थे? एम्बुलेंस 108 के द्वारा लाए गए। तो कुछ पता चला है कहाँ के लोग हैं? सुनने में आया कि मैनपुरी क्षेत्र के लोग हैं, अलाव गांव के लोग। एक ये बोलेरो की पिकअप है जो जलालाबाद से मैनपुरी जा रही थी, किसान का जो बीज था मूंगफली का उसको लेके जा रहे थे, उसमें करीब 14 जो किसान थे वो सवार थे। वो एक्चुअली जो रोड है भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उससे वो आगे सामने लाइट पड़ने की डिसबैलेंस हुई और वो गाड़ी थोड़ा सा पलट गई, जिसमें करीब 5-6 जो उसमें जो सवार थे वो घायल हुए। अभी डॉक्टर से बात किया, सभी खतरे से बाहर हैं, किसी को कोई गंभीर चोट नहीं है, सुपरफिशियल जो स्क्रैचेस हैं वो हैं और सुबह तक सबको डिस्चार्ज कर। चालक की क्या हालत है? और चालक बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल अपने होशो हवास में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो पिकअप है उसको भी सीधा करा दिया गया है और जो उनका जो सामान है उसको भी लोड करवा रहे हैं और गंतव्य स्थान।